जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हीरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। हम इस चैनल में हर बार एक प्रोडक्ट को पूरी एक्सप्लोर करके आपको दिखाने की, बताने की या समझाने की कोशिश करते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि हमने ऊपर ऊपर से कुछ दिखा दिया और फोटोग्राफ्स डाल के कुछ दिखा दिया, लेकिन हर प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेके खुद एक्सपीरियंस करके हर उसके फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। इस बार हमारा प्रोडक्ट है स्टूडियो मास्टर का ORB 1222। ये ORB 1222 मॉडल जो 12 चैनल का है और इसको आज हम पूरा समझेंगे और सीखेंगे और उसके हर फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। करीब करीब ऊपर ऊपर से मैं आपको बताना चाहूं तो ये करीब 25-26 हजार के आसपास की कीमत का ये मिक्सर है, यानी बिल्कुल बजट में है। और सारा फीचर्स, अगर 12 चैनल की कोई भी शो आप करने जाते हैं और कोई भी 12 चैनल जिसमें यूज होते हैं उसमें जो भी कुछ चाहिए, जो भी चाहिए वो सब इसमें है। अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको अभी बताऊं तो इक्विलाइजर इसमें दिया गया है लेफ्ट और राइट चैनल के लिए, और 5 चैनल में इसने कंप्रेसर भी दे दिया है, 2 इफेक्ट प्रोसेसर दे दिए हैं, USB से प्ले कर सकते हैं और हाँ USB में ही आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसमें। और साथ में 3 ऑक्सिलरी हमें दिए गए हैं, 2 ग्रुप दिए गए हैं। मेरे ख्याल से अगर 12 चैनल का कोई भी शो हम करते हैं तो इतना बहुत सफिशिएंट रहता है। तो आज इस मिक्सर को पूरा हम एक्सप्लोर करते हैं, हर फीचर्स को मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, पूरा मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर हम पहले सीखते हैं, बाद में हम इसको चला के देखते हैं। तो दोस्तों ये फ्रंट लुक है अपना स्टूडियो मास्टर के मिक्सर का और 12 चैनल यहां पे हैं और 4 बैंड का इक्विलाइजर है, 3 ऑक्सिलरी है, 2 इफेक्ट है, पेन और अपना सोलो म्यूट बटन है, ग्रुप 1-2 में आपको डालना है तो वो है और लेफ्ट राइट में डालने वाला स्विच है। और यहां पे हमें मिल जाते हैं ऑक्सिलरी सेंड, ऑक्सिलरी रिटर्न सिंगल बटन में है, ग्रुप 1-2 लेफ्ट राइट, इक्विलाइजर, ये अपना हेडफोन का कंट्रोल है पूरा, ये USB और ये USB से जो हम प्ले करते हैं उसका गेन यहाँ पे अलग से है और उसका लो और हाई दोनों का हमें थोड़ा कंट्रोल भी मिल जाता है। आप हाई और लो को कंट्रोल भी यहाँ से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेट भी कर सकते हैं और फैंटम पावर भी इसमें है। तो चलिए इसको पीछे से हम देखते हैं। तो ये दोस्तों पीछे का हमारा लुक है पूरा। अगर उसको हम यहां से समझने की कोशिश करें तो ये 12x12 XLR चैनल और 12x12 हमें यहां मिल जाते हैं लाइन, और इनसेट हमें 4 चैनल में मिल जाता है, और ये हमें मिल जाता है लेफ्ट मोनो राइट और राइट, और यहाँ पे 1-5 जो ऑक्सिलरी सेंड है वो यहाँ पे है, ऑक्सिलरी रिटर्न लेफ्ट राइट यहाँ पे आउट है, रिकॉर्डिंग आउट है, मीडिया आउट है, ये ग्रुप आउटपुट है 1 और 2, मेन आउटपुट यहाँ पे है लेफ्ट और राइट, और ये लेफ्ट और राइट का मेन आउट, और 2 इंसर्ट इसमें है, ये पावर डालने के लिए प्लग है और ऑन ऑफ का ये स्विच है। तो ये अपना पीछे का लुक है। तो दोस्तों ये स्टूडियो मास्टर का हम ORB सीरीज का मिक्सर चेक कर रहे हैं और मैंने चैनल 5 में माइक लगाया है और इस चैनल को पूरा हम समझेंगे तो पूरी चैनल एक जैसी है, सिर्फ इस चैनल में हमें थोड़ा सा फर्क है, वो हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अभी मैंने लेफ्ट चैनल में आउटपुट डाला है एक स्पीकर जो स्टूडियो मास्टर का ही है और उसको कैसे ऑपरेट करने हैं आइए देखते हैं। तो गेन को हम खोलेंगे जरूरत के हिसाब से, जितना भी आपको खोलता है, ये गेन है और ये जो बटन है ये लो पास है, यानी 75 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को अगर ये पुश करेंगे तो कट कर देगा, यानी कोई हम आता है या फिर बोलने में कोई प फ ब भ जैसा बोलने में कोई
ब्लो आता है तो वो यहाँ से हम रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। ये अपना कंप्रेसर है, तो पहले इसको हम चला के देखते हैं और इस फीचर्स को समझते हैं। हेलो 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 चेक। तो सबसे पहले आपको आवाज डालने के लिए ये जो तीन बटन है यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से एक है सोलो, एक है ग्रुप 1-2 और एक लेफ्ट राइट। तो अगर आप सोलो यहां से दबाएंगे तो ये जो एलईडी जल रही है वहां आपकी लाइन जो जितना फोर्स आ रहा है वो यहां से दिखाई देगी। सोलो को आप तब यूज कर सकते हैं जब कोई चैनल आपको लगे कि नहीं चल पा रही है, ऐसा लग रहा है, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इसी चैनल को अगर आपको ग्रुप 1-2 में डालना है तो यहां से पुश करके आप डाल सकते हैं। और लेफ्ट राइट बटन में आपने नहीं डाला है तो मेन आउट में नहीं जाएगा। जैसे ये अगर मैं उठा लेता हूं यहां से तो मेरा माइक बंद हो गया, देखिए। तो ये लेफ्ट राइट में डालने के लिए लास्ट वाला नीचे का बटन है जिसमें ऑलरेडी LR लिखा हुआ है, उसको आपको प्रेस करना है तभी ये चैनल मेन वॉल्यूम में जाएगी मिक्स में। अभी देखिए ये चार बैंड का इक्विलाइजर है। ये जैसे HF है अपना हाई, तो अगर मैं हाइज बढ़ाता हूं तो यहां से हाइज देखिए बढ़ गई और ये घट गई। और इसमें सेंटर ऑफ दिया गया है, यानी कि मिक्सर में ही सेंटर में अगर आप उसको ऑफ करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। अभी ये हाई मिड है। हेलो हेलो चेक 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 चेक। हेलो 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 चेक 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 चेक। ये लो मिड है, लो मिड को बजाएंगे तो लो मिड बढ़ गए देखिए। और ये है अपना बेस, बेस अगर आप बढ़ाए तो बेस भी बढ़ जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से आपको इक्विलाइजर उसमें डालना है आप डाल सकते हैं। और कंप्रेसर, पहले पहले जब मैं साउंड में था तो मुझे ऐसा लगता था कि कंप्रेसर यानी एक साउंड को कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्रेसर हमेशा हर एक फ्रीक्वेंसी को एक तरह सीधा बना के उठा के उसको बनाता है। अगर आप इसमें जज कर पाए तो मैं कंप्रेसर ऑन करता हूं, आप देखिए। हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। तो ये हर फ्रीक्वेंसी को उठा के एक तरह लिमिट, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जैसे कोई फ्रीक्वेंसी कम आ रही है हमारी आवाज में, कोई ज्यादा आ रही है, तो उसको वो ये सही तरीके से मेंटेन करता है ये कंप्रेसर। और यहीं पे पीक लाइट का वो दिया गया है, पीक यानी ये चैनल में कोई और जा रहा है सिग्नल तो पिक यहां पे दिखाई देगा। और ये ऑक्सिलरी वन, यानी इस चैनल को आपको ऑक्सिलरी वन में डालना है तो यहां से डाल सकते हैं, ऑक्सिलरी टू में यहां से डाल सकते हैं, ऑक्सिलरी थ्री जिसमें प्री और पोस्ट ऑप्शन हमें दिया गया है। प्री यानी अगर हम उसको उठा के रखा हुआ है तो ये प्री आउट है। प्री यानी इस फेडर के साथ इस ऑक्सिलरी का कोई कनेक्शन नहीं है, इसको आप बढ़ाएंगे फेडर चाहे नीचे वहां पे आवाज जाएगी। और अगर पोस्ट आप करते हैं तो जितना फेडर ऊपर रहेगा वो भी इसमें मेंशन होगा, यानी इस हिसाब से यहाँ पे आवाज खुलेगी, नहीं तो सीधा गेन और ये ऑक्सिलरी प्री यहां से ऑपरेट होगी। ठीक है, ये इफेक्ट ऑक्सिलरी फोर यानी इफेक्ट वन है, ऑक्सिलरी टू सॉरी ऑक्सिलरी फाइव ये इफेक्ट टू है, और ये लेफ्ट राइट पेन का अपना बटन है। ये म्यूट के लिए, म्यूट जैसे ही ऑन होगा रेड लाइट यहां पे जल जाएगी, देखिए ऐसे। ये म्यूट कर रहा हूं मैं मेरा माइक, ये म्यूट हो गया था, तो ये म्यूट बटन। तो ये है पूरी चैनल की हमारी समझ। ठीक है, कंप्रेसर का यूज आप अपने हिसाब से अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी चैनल एक ही जैसी है, सिर्फ यहां पे कंप्रेसर नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ है। और यहां पे हमें जो पीछे हमने दिखाया 11 और 12 चैनल में स्टीरियो इन है, तो वो लाइन इन अगर आप करते हैं स्टीरियो में तो उसका गेन या जो फेडर है वॉल्यूम है वो यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अभी इस इफेक्ट के हम सेक्शन को समझते हैं। इफेक्ट वन और टू यहां पे दिया गया है। इस बटन से हम इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर हर नॉब में 24
अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे प्रीसेट दी गई है और उसके पैरामीटर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम एक ही है इफेक्ट को समझेंगे तो दोनों में सेम ही इफेक्ट आएगा। तो ये इफेक्ट का जैसे ये एक नंबर इफेक्ट है और अगर इसको मैं ऑन करता हूं, देखिए उसका क्या हमें रिजल्ट मिलता है। फिर से यहीं पे भी आपको लेफ्ट राइट में उसको डालना होगा। चेक, हेलो, तो ये रिवर्ब है। चैनल 5 में मैंने इसको डाला हुआ है ऑलरेडी। अगर इसके पैरामीटर को मैं चेंज करता हूं यहां से, देखिए हेलो हेलो चेक चेक, और अगर मैं इसको कम करता हूं चेक 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 चेक, यानी यहीं से हम उसके पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट 1 है। इफेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको एक ही चीज करनी है कि इसको इफेक्ट, जैसे इसको घुमाया तो ये 2 हो गया और इसी बटन को आपको प्रेस करना है तो ये 2 सिलेक्ट हो गया। अभी इफेक्ट 2, हेलो चेक टेस्ट पैरामीटर्स, चेक टेस्ट टेस्ट चेक, ओके। ऐसे इफेक्ट 3 चेक, हेलो, ये 3 नंबर इफेक्ट है। ये 4, हेलो चेक चेक, ये 5 चेक, 6 ये 7, ये 8 नंबर का इफेक्ट है। इस तरह से 9 नंबर, 10 नंबर, ये 11 नंबर डिले। उसके पैरामीटर हम यहां से चेंज कर सकते हैं। हेलो, और ये 12 नंबर डिले 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 चेक 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 चेक, हेलो 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 हेलो, जिस हिसाब से आपको सेट करना है डिले में वो यहाँ पैरामीटर से सेट हो जाएगा। चेक चेक चेक, हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक, हेलो 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 हेलो, ये 13, ये 14 नंबर, 15, हेलो चेक दिस। अलग अलग ये फ्लिंजर इफेक्ट है, जैसे आवाज मेरी जैसे गोले में पानी का जैसे मटका होता है उसमें घूमती है वैसे घूमती है। हेलो चेक, हेलो, ये 17 नंबर, ये 18, इसमें देखिए पीच चेंज होती है मेरी आवाज के साथ। ये 19, हेलो हेलो, ये 20, चेक चेक टेस्ट चेक, हेलो, ये रेडियो वॉइस करके एक इफेक्ट है, यानी मेरी आवाज रेडियो जैसी यहाँ पे रेडियो जैसी आएगी। हेलो चेक, ये 22 नंबर, और ये 23 नंबर डिस्टॉर्शन इफेक्ट, ये 24 नंबर पिच चेंज, जैसे मेरी आवाज के साथ एक पीछे पीछे आवाज आएगी। ये सब गिटार वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं, इसमें इसका यूज होता है। तो ये 24 की 24 इफेक्ट हमने यहाँ पे देखी, उसको सिलेक्ट यहीं से किया जाएगा, इसी को प्रेस करेंगे तो इफेक्ट इसमें चालू हो जाएगी और यहीं से इसको पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। उसी इफेक्ट को ऑक्सिलरी 1 और 2 में हम यहीं से डाल सकते हैं। कितना डालना है, कभी कभी ये होता है कि सिंगर को ज्यादा इफेक्ट चाहिए लेकिन आउटपुट में हमें कम देना है, तो आप ऑक्सिलरी में सिंगर को डाले हैं तो वहां से इफेक्ट आप उसको ज्यादा दे सकते हैं यहां से। और एक चीज हम देखें तो ये जो है अपना ऑक्सिलरी रिटर्न यहीं से है, ये रेड बटन, और ये सेंड बटन है अपने सारे पांचों पांच ऑक्सिलरी के। जैसे हमने पीछे देखा ऑक्सिलरी जहां से आउट निकलता है ये वहीं जितना पावर से देना है वो यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अपना ग्रुप 1 और 2, ग्रुप का ये अपना उपयोग है कि मान लो कि 2 सिंगर है और 4 रिदम है और 2 मेलोडी के इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सिंगर को एक ग्रुप में रखें और रिदम
ज्यादा लग रही है आउटपुट में कि रिदम ज्यादा जा रही, तो ग्रुप में डाला हुआ है तो एक ही बटन से वो जो रिदम के माइक है चारों के चारों, उसको आप धीमा या ज्यादा कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं धीमा कर सकते हैं। तो ये ग्रुप का उपयोग ये है। फिर इसमें दिया गया है हमें इक्विलाइजर लेफ्ट और राइट के लिए। देखिए इस इक्विलाइजर में देखिए एल और आर, आर यहां पे लिखा है, जैसे हमने यहां पे एल में डाला हुआ है तो इस इक्विलाइजर से ओवरऑल जो मिक्स होके आएगा और आउटपुट में ऐसा लग रहा है हमें कि इसको चेंज करने की हमें जरूरत है, ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मीड ज्यादा आ रहा है, तो हम अगर यहीं से कंट्रोल करना चाहेंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल मिक्स में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपको आउटपुट में मीड बढ़ानी है तो ये खाली एक दो बटन आप ऐसे ऊपर करेंगे तो मीड देखिए ये मीड बढ़ गई है, जैसे होविसलिंग भी हो गया, ये मीड बढ़ गई है। बेस आपको बढ़ाना है तो यहीं से आउटपुट में बेस बढ़ जाएगा, एचएफ अगर आपको चाहिए तो यहीं से बढ़ जाएगी, जैसे जिस हिसाब से आप अगर इसको सेट करना चाहे इक्विलाइजर को, बहुत ही इजी तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। ये अपनी मेन जो डिस्प्ले में आती है वो है एलईडी, कितना पावर से जा रहा है अपना फैंटम 48 वोल्ट यहां से है, और ये अपना कंट्रोल है हेडफोन का। हेडफोन में आप जो भी सुनना चाहे स्विच से सुन सकते हैं, मेन आउट सुनना है, ग्रुप वन ग्रुप टू या फिर सोलो सुनना है, तो यहीं से आप इस बटन को ऑपरेट करके अलग अलग बटन जो पोजीशन यहां पे दिखाई गई उस तरह से सिलेक्ट करके आप उसी में देख सकते हैं। और मैं शुरू में बोलना भूल गया कि इसमें भी हमें ब्लूटूथ भी मिलता है, तो ये मोड से हम देखिए कैसे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। तो ये अपना सेक्शन ब्लूटूथ का है, यूएसबी का है और रिकॉर्डिंग का, ये तीनों यहीं पे हैं इस सेक्शन में। अगर हम कोई भी इसमें पेन ड्राइव सीधा डालते हैं तो सीधा यहां से ऑडियो आ जाएगा, देखिए ये प्ले हो गया। और उसी जो बज रहा है उसी को यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं और लो भी सेट कर सकते हैं यहीं से, ये दो हमें बटन यहाँ पे इसका हमें इक्विलाइज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। अभी यहाँ पे मोड हमें दिखाई दे रहा है, अभी ये यूएसबी प्ले हो गया, अभी मोड जैसे करेंगे तो ये अपना हो गया रिकॉर्डिंग मोड, यानी एलआर में जो भी आ रहा है वो ये सीधा अभी मैं बोल रहा हूं वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और एक मोड है अपना, वो है ब्लूटूथ, तो उसके लिए ब्लूटूथ मोड ऑन करेंगे ये लाइट ब्लिंक करने लगेंगी और आप अपने मोबाइल में जाके ब्लूटूथ ऑन करके नीचे देखेंगे तो ये स्टूडियो मास्टर यहां पे आ गया, उसको सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप ये कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए स्टूडियो मास्टर कनेक्टेड। और कुछ भी अगर आप उसमें से बजाता है, जैसे मैं यूट्यूब में कुछ बजाता हूं यूट्यूब और इसको यहां से वॉल्यूम करता हूं तो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, तो इस तरह से आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके इसमें बजा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा और समझा, उसका रिव्यू किया, हर एक इफेक्ट को हमने देखने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी और जानना है इसके बारे में तो मुझे जरूर कमेंट करिए, आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपका बहुत सपोर्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, भारत माता की जय।